किसान साथियों नमस्कार। जान लेते हैं आज लासलगांव नासिक मंडी की अपडेट के बारे में और फाइनल रिपोर्ट बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर भी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी और ऑल ओवर मंडी की स्थिति निर्यात के लेकर हर एक टॉपिक पर बात करके बताऊंगा। चलिए किसान साथियों वीडियो को करते हैं शुरू और जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर। तो चलिए किसान मित्रों अब मैं आपको इस वीडियो में सटीक जानकारी और सटीक अपडेट के साथ बताऊंगा आज का जो माहौल है अपडेट है रिपोर्ट है वो कैसा देखने को मिला हुआ है। किसान साथियों वहीं पर जो अपडेट है रिपोर्ट है बहुत ही शानदार आज के दिन देखने को मिली है क्योंकि मंडियों का उबाल आज किसान साथियों कह सकते हैं भयंकर तेजी देखने को मिली है क्योंकि आज के दिन 3500 रुपये से लेकर 4041 रुपये तक के भाव में जो प्याज है नासिक लासलगांव की मंडियों में आज इतना उबाल देखने को मिला है इतना तेजी देखने को मिला है किसान साथियों हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे आज इतनी तेजी देखने को मिली है। तेजी का जो मौका है अब आया है और सबसे ज्यादा आज के दिन भयंकर तेजी किसान साथियों देखने को मिली है क्योंकि अच्छी खासी जो पकड़ है आज के दिन 4000 का भाव इन मंडियों में देखने को मिला है जैसे कि लासलगांव है और नासिक है इन मंडियों में 4000 का स्तर देखने को मिला है किसान साथियों। अगर बात करें प्याज निर्यात के बारे में बांग्लादेश प्याज निर्यात रिपोर्ट के बारे में तो किसान साथियों इस समय बहुत ही अच्छी निर्यात रिपोर्ट देखने को मिल रही है तभी तो इतनी तेजी आ रही है क्योंकि किसान साथियों सभी मंडियों का निर्यात जारी है और सबसे खास निर्यात है बांग्लादेश प्याज निर्यात। तो बांग्लादेश में अच्छी पकड़ के साथ जो प्याज निर्यात है वो देखने को मिल रहा है इस समय। अगर बात करें किसान साथियों अच्छी कम से कम 100 से प्लस 100-200 गाड़ियों का जो प्लस है वो प्याज का निर्यात इन दिनों देखने को मिल रहा है कि इतनी अच्छी पकड़ किसान साथियों प्याज निर्यात के ऊपर देखने को मिल रही है और कयास लगाया जा रहा है आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी देखने की जो आसार हैं वो भी लग सकते हैं।